हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है अपने आईफोन में बोया माइक कैसे यूज़ कर सकते हो। जी दोस्तों, अगर आपको जो है अपने आईफोन में बोया का जो माइक रहता है उसको जो है लगाना है, कनेक्ट करना है, और आप जो है माइक में जो बोलोगे वो रिकॉर्डिंग हो जाएगा वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम, यानी कि आपको जो आवाज़ है वो रिकॉर्डिंग करेगा माइक, ठीक है, जिससे आपको जो है वीडियो पे अच्छा क्वालिटी मिल जाएगा और आपका जो आवाज़ वो क्लियर रहेगा, ठीक है। तो आप जो अपने आईफोन में माइक यूज़ करना चाहते हो बोया का, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके पास कोई सा भी माइक हो दोस्तों, बोया कंपनी का ही ज़रूरी नहीं है, आपके पास कोई सा भी दूसरा ब्रांड का माइक होगा, मोबाइल वाला, आईफोन वाला, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है उसको भी कनेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से 3.5 mm का जैक होना चाहिए और आपका जो ये माइक रहेगा वो जो है आईफोन पे कनेक्ट हो जाना वाला चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारा माइक क्या है आपका आईफोन पे कनेक्ट नहीं होता है, तो आप जो है अगर कोई भी माइक ऑर्डर करते हो तो यहाँ पे आपको ऊपर में चेक कर लेना है कि ये माइक जो है आपके आईफोन पे कनेक्ट होगा कि नहीं, और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे देख के अगर कनेक्ट हो जाता है आपके आईफोन पे तभी आपको ऑर्डर करना है। तो फिलहाल यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल है वो जो है बोया के माइक से ही आपको बताऊँगा, क्योंकि मेरे पास बोया का माइक है और ये काफ़ी अच्छा होता है, और ये जो बोया का जो माइक है उस पर आपको जो है जो वायर मिलता है वो काफ़ी लंबा वाला वायर मिल जाता है, ठीक है, जिससे आप इसका इस्तेमाल अच्छे से कर पाओगे। अगर आप दूर पे रहोगे तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ये आपको जो है ये जो माइक है वो मिल जाएगा अमेजोन पे। आपको जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो बेस्ट क्वालिटी का माइक है जिसको मैं यूज़ करता हूँ बोया का ही, वो मैं आपको जो है इस वीडियो के नीचे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अमेजोन माइक प्रोडक्ट लिंक करके लिखा हुआ मिल जाएगा, उस प्रोडक्ट को आप ऑर्डर कर सकते हो, उस माइक को ऑर्डर कर सकते हो। अब यहाँ पर मेरे पास माइक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपना जो आईफोन उसको सेट कर लूंगा, क्योंकि ये माइक काफी बड़ा है और इसका जो वायर है इसको संभालने में को थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर आप जो है इसका जो वायर रहेगा उसको संभाल सकते हो तो आपको एक तरीके का इसका रस्सी या फिर बेल्ट समझो वो मिल जाएगा जिससे आप उसको संभाल के रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपना आईफोन है ये देख सकते हो, इसको मैं साइड में कर देता हूँ और यहाँ पर आपको माइक को दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये माइक है। DSLR कैमरा क्लियर करो, अच्छे से दिखाओ। ये देखो, इस तरीके से ये माइक है और इसका जो वायर है वो काफ़ी लॉन्ग है, लंबा है, समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइक है दोस्तों, और इस माइक में एक विंड शील्ड रहता है, यानी कि जो हवा पे जो है आवाज़ को जो है सही से रखे, यानी कि हवा वगैरह करेगा तो भी आपका आवाज़ अच्छा है करके। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं उसका जो विंड शील्ड है ऊपर का जो ब्लैक कलर का रहता है ना, उसको मैं जो है निकाल दिया हूँ। क्यों निकाल दिया हूँ, क्योंकि मेरे को जो है अगर यहाँ पर अच्छे से आवाज़ चाहिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आवाज़ करना है यूट्यूब वीडियो के लिए, तो यहाँ पर मैं जो है विंड शील्ड को हटा दिया हूँ, जिससे मेरा जो आवाज़ है वो काफ़ी और ज़्यादा अच्छा आता है। इसका इस्तेमाल करना बहुत लोगों को नहीं पता है, मैं यहाँ पे इतना जो डिस्टेंस रहता है, ठीक है, DSLR कैमरा फिर से आपने ब्लर कर दिया, हाँ, तो इतना आपको जो है इतना तक दूर से आपको बोलना है जिससे आपको जो आवाज़ वो काफ़ी अच्छा आता है, ठीक है ना। ये हो गया, तो विंड शील्ड को मैं हटा दिया हूँ, आपको रहने देना है तो आप रख सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये माइक मिल जाएगा ऊपर साइड, और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है एक बटन मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आप जो है इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो इस पर आपको जो है इस तरीके से दो बटन दिया रहेगा, एक कैमरा वाला बटन दिया रहेगा ऊपर साइड और एक रहेगा आपका स्मार्टफोन वाला नीचे साइड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जो है इस माइक को DSLR कैमरा पे या फिर जो है आप लैपटॉप पे यूज़ करना चाहते हो तो आपको ऊपर वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर देना है, कैमरा वाला है ऑप्शन उसको, और अगर आपको जो है स्मार्टफोन पे यानी कि आपका जो आईफोन है वो जो स्मार्टफोन के अंदर में आता है तो आपको यहाँ पर नीचे वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया, अब यहाँ पे इसका तो हो गया माइक हो गया, इसका जो सेटिंग वाला जो ये है वो हो गया, और यहाँ पे लास्ट में आता है ये जो माइक का जो जो केबल है वो कनेक्ट होने के लिए, इस तरीके से ये दिया रहता है। 3.5 mm का जैक बोलते हैं इसको, 3.5 mm का जैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 डॉट दिया गया है, मतलब 3 लकीर के दिया गया है, 1, 2, 3, ठीक है, इस तरीके से 3.5 mm का ये है। तो इसको आपको पता होगा आपका जो आईफोन है उस पर आप तो कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको पता होगा ये कनेक्ट नहीं होगा, ये देखो। तो इसको कनेक्ट करने के लिए आपको जो है कनेक्टर चाहिए, जिसको बोलते हैं OTG कनेक्टर, 3.5 mm जैक OTG कनेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है एक, जिसको मैं जो है शॉप से ख़रीदा हूँ, ऑफलाइन शॉप से यानी कि दुकान पर जाके ख़रीदा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आता है। ये देखिए, इस तरीके से व्हाइट कलर का है, DSLR कैमरा बहुत ब्लर कर रहा है यार, ये देखिए इस तरीके से ये आता है, और इसको मैं जो है 100 से
इसको मैं जो है 100 रुपया फिर 200 रुपये के आसपास में खरीदा था, ठीक है, ऑफलाइन शॉप पे जाके, यानी कि आसपास की दुकान पे जाके उसको बोला था मैं 3.5 mm वाला जो जैक है वो चाहिए मेरे को करके, तो इस तरीके से वो मेरे को दिया है। अब इसमें होगा क्या, ये वाला जो साइड है वो जो है आईफोन पर लग जाएगा और इस पर आपको इस तरीके से होल मिल जाएगा जिसपे आप जो है माइक का जो ये जो बटन है, मतलब ये जो चीज़ है उसको आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से कनेक्टर करके। तो ये एक हिसाब से ये कनेक्ट हो गया है और ये जो है डायरेक्ट आईफोन पे हो जाया कनेक्ट, हो आईफोन से कनेक्ट हो कि ये हो गया माइक पे कनेक्ट। तो ये इसी का काम है दोस्तों, कनेक्टर का। अभी इसका काम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप जो इस पर अब जो है डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो इसलिए आपको ये चाहिए रहता है OTG। अब इसको हम जो है इस पर कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ये देखो, तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो जैसे ही आपको ये कनेक्ट हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ अगेन और फिर से देखते हैं कनेक्ट करके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताया जा रहा है, ये इसलिए बताया जा रहा है दोस्तों क्योंकि ये जो मैं OTG रखा हुआ हूँ 3.5 mm वाला, ये जो है थर्ड पार्टी वाला OTG है, यानी कि एप्पल कंपनी का ही OTG नहीं है। तो इस तरीके से मेरे को बताया जा रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि आपका जो ये 3.5 mm का जो जैक है मैंने जो ऑर्डर किया था दुकान से, मतलब लिया हूँ दुकान पे जाके जो लिया हूँ, वो जो है अगर थर्ड पार्टी रहेगा यानी कि एप्पल कंपनी का नहीं रहेगा तो उसको आप जो है अगर कनेक्ट करोगे तो आपका जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड नहीं करता है करके, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर अगर जो है रिकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, मतलब माइक काम नहीं करेगा, तो आप समझ लो कि आपको जो है 3.5 mm वाला जो जैक है वो जो है एप्पल कंपनी वाला ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जो वीडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे जो माइक है उस पर मैं बोल के आपको दिखाता हूँ प्ले करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं जो है माइक को अपने पास ले रखा हूँ और यहाँ पर मैं वीडियो ऑन कर देता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मैं माइक से बोल रहा हूँ जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारा जो आवाज़ है वो प्रॉपर आ पा रहा है कि नहीं। तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा धीरे बोल के रखूँगा जिससे वहाँ तक रिकॉर्डिंग ना हो एक्सटर्नल माइक से। तो मैं पास से बोलता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो है रिकॉर्ड कर लिया हूँ। अब यहाँ पर मैं स्टॉप कर लेता हूँ और यहाँ पर हम प्ले करके देखते हैं हमारा वॉइस रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मैं माइक से बोल रहा हूँ जिसमें हम समझ सकते हैं कि हमारा जो आवाज है वो प्रॉपर आ पा रहा है कि नहीं। तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा धीरे बोल के रखूंगा जिससे वहां तक रिकॉर्डिंग ना हो एक्सटर्नल माइक से। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप जो है दुकान से ये OTG है, अगर आप जो दुकान से लोगे तो ये काम नहीं करेगा आपके आईफोन पे। आपको जो है क्या करना है, आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए, OTG चाहिए आपको एप्पल कंपनी वाला ही, ठीक है, तभी आप ये काम करेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ओरिजिनल में आपको क्या प्राइस पड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो है इसको साइड कर देता हूँ माइक को, और ये देखिए ये जो प्रोडक्ट है ओरिजिनल है एप्पल कंपनी के वाला, ये 3.5 mm का जैक है और इसका प्राइस आप देख सकते हो 700 रुपये, कभी कभी ये 1000 रुपये के ऊपर में मिलता है, यानी कि 1000 के ऊपर में 1000 रुपये के आसपास मिल जाता है, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है, 749 रुपये में। तो दोस्तों अगर आप जो है ऐसा OTG आप खरीदोगे दुकान पर जाके जो कि 200 से लेके 100 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा तो वो काम करने वाला नहीं है। आप देख सकते हो एप्पल कंपनी बहुत ही सिक्योरिटी के साथ बनता है दोस्तों, एकदम सिक्योरिटी चाहिए इसको। तो इसलिए वो जो ये OTG ये बनाता है ना, ये थर्ड का पार्टी वाले जो लोग बनाते हैं उसका जो OTG वो काम करने नहीं देता है, ठीक है। तो आपको अगर माइक कनेक्ट करना है तो ये ओरिजिनल OTG चाहिए, ओरिजिनल OTG पे आप जो है अपना माइक को इस पे लगा लोगे फिर इस और उसके बाद इस साइड से आप जो है अपने आईफोन पे लगा लोगे, उसके बाद आपका जो माइक है वो काम करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आप जो है अपने आईफोन में बोया का माइक कैसे कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना, नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को आप जो है ऑल पे सिलेक्ट कर लो, इससे क्या होगा आपको इसी तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपके आईफोन पे। चले दोस्तों मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।